जय हिंद। साल 2021 में बी आर ओ ग्रिफ की जो सबसे बड़ी भर्ती निकली थी 28 जून को, उसके एडमिट कार्ड को लेकर बी आर ओ ग्रिफ ने कैंडिडेट को एक खुशखबरी दी थी कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं, जितनी भी आपकी पोस्ट हैं, उन सभी के जो एडमिट कार्ड की लिस्ट आपकी, वो आपकी 30 जून को जो अपलोड कर दी जाएगी बी आर ओ ग्रिफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन आज आपका 4 जुलाई हो चुका है और अभी तक जो आपकी लिस्ट है उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। तो 28 जून को जो आपकी खुशखबरी दी गई थी वो अब कैंडिडेट के लिए के बेचैनी बन गई है कि कब तक आपके जो एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो आएगी। यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनके मन में बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो आज इसी की एक छोटी सी अपडेट, देखिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आने की संभावना है और जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो किस किस पोस्ट के आएंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा सबसे पहले जो एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो कि आपका 28 जून 2021 को पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा इस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि आपके जितने भी फॉर्म थे उन सभी की 20 मई 2021 लास्ट डेट जो हो जा चुकी है फॉर्म को अप्लाई करने के। यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आपके लिए था वो ये था कि देखिए पॉइंट नंबर बी लिखा हुआ है कि जितने भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन कैंडिडेट को आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा उनकी जो लिस्ट है वो आपके कब अपलोड की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, 30 जून 2021 को। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि बिल्कुल पक्का नहीं है कि 30 जून को आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 30 जून के आसपास आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी। लेकिन 4 जुलाई हो चुका है और अब तक दोबारा कोई भी अपडेट आपकी लिस्ट को लेकर नहीं आई है। यहाँ पर एक बात और कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं तो किस किस पोस्ट के जो एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि जो आपकी पोस्ट हैं ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर स्टोर, आपकी रेडियो मैकेनिक और लैब असिस्टेंट, इन सभी का जो एग्जाम है आपका ग्रीफ सेंटर पुणे में होगा और इनकी लिस्ट, आपकी जो लिस्ट आएगी इनमें आप चारों पोस्ट की लिस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका एसकेटी का स्टोर कीपर टेक्निकल का एग्जाम है और DES यानी कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक का एग्जाम है, इनकी लिस्ट भी यानी कि इन सभी पोस्ट की लिस्ट आपकी एक साथ आएगी। लेकिन जो आपकी मेसन की पोस्ट है इसमें क्या हुआ है कि जितने फॉर्म आपको BRO को चाहिए थे आपके एडमिट कार्ड को भेजने के लिए उतने फॉर्म BRO ग्रुप के पास नहीं गए, तो इसकी जो लिस्ट है वो आपकी अपलोड सेपरेटली यानी कि बाद में अलग से इसकी लिस्ट जो अपलोड कर दी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट जो है ये एक डाउट बन रहे थे कि आपकी जो भर्ती है मेसन की वो कैंसिल होगी, तो देखिएगा अगर आपकी भर्ती कैंसिल होनी होती तो BRO ग्रुप आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको पॉइंट नंबर 5 में यही बता देता कि आपकी जो भर्ती है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जितने फॉर्म चाहिए थे BRO ग्रुप को मेसन की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड भेजने के लिए उतने BRO ग्रुप के पास नहीं गए। लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे, मेसन की भर्ती होगी, ये 101% कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये कहा गया कि इसके भर्ती के लिए अलग से आपको जो सूचना दी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिएगा आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। अब बात करें आपके एडमिट कार्ड की, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको जो आपकी BRO ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है और जो भी आपकी नई न्यूज आती है वो आती हैं व्हाट्स न्यू के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला नोटिस आपका नया नोटिस है वो आपका इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 और ये वही नोटिफिकेशन है जो कि हमने आपको अभी दिखाया। जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले जो आपकी लिस्ट को लेकर मैंने BRO ग्रुप को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का जो आइकन है वो दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने BRO ग्रुप के ये 4 जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिन पे कॉल करके आप BRO ग्रुप से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको जो मेरी कॉल हिस्ट्री है जो मैंने BRO ग्रुप को कॉल लगाई थी एक बार वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जो पहला नंबर है आपका लास्ट में 820 लिखा हुआ है, मैंने इस नंबर पे कॉल की थी और क्या जवाब मिला था देखिए। यहाँ पर आप जो मेरी पूरी कॉल हिस्ट्री है जो BRO ग्रुप को मैंने कॉल लगाई थी वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो मेरी बात हुई थी वो आपको शनिवार को बात हुई थी BRO ग्रुप से, देखिएगा शनिवार को मैंने 11:53 पे कॉल की थी और उन्होंने कॉल उठाई थी, 29 सेकंड मेरी बात हुई थी। क्या बात हुई थी चलिए आपको जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाता हूँ। जैन सर मैंगर, हेलो जैन सर। सर सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो BRO ग्रुप से जो अभी लिस्ट आनी है ना सर एडमिट कार्ड की, सोमवार को कॉल कर दीजिए सर। सोमवार को करूँ सर? हाँ ठीक है सर। सर आप तो थोड़ी मोटी लिस्ट के बारे में जानकारी तो प्लीज बता सकते हैं। हम नहीं बता सकते, ये गेट में सर, हमको ऑफिस में सोमवार को खुलेगा तभी आप कॉल करें। ओके सर, ओके थैंक यू।
उसके बाद जो दोबारा मेरी बात हुई थी वो मैंने आज यानी कि 4 जुलाई को आपको बात की थी बियर ग्रिफ के पास, वहां पर 10:54 पे मैंने कॉल की थी और 48 सेकंड मेरी बात हुई थी। अब वो क्या बात हुई थी चलिए वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जय हिंद सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि बीआरओ की जो एडमिट कार्ड की लिस्ट आने वाली है ना, वो कब तक आएगी सर, सर? अभी आपके इसके लिए सॉरी सर, आज ऑफिस बंद है ना, इसलिए तो सर कुछ बता नहीं पाएंगे। मंडे में आप कॉल करो, आपको बता सकते हैं वैसे सर कुछ एक्सपेक्टेड प्लीज सर, अगर आप बता सकते हैं तो। सर अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी नई न्यू स्टाफ हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, बस हाँ थोड़ी मोटी भी सर मान लीजिए इस हफ्ते में आ सकती है सर लिस्ट? सुबह से 4-5 कॉल आ चुकी है सर, किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद ही नहीं बताया, किसी को नहीं बताया सर। यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से सब कैंसिल करके रखा था इन्होंने। अच्छा अच्छा सर, अच्छा हाँ सर चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो लिस्ट की अपडेट है अभी आपका शनिवार को और आज रविवार को, यानी कि सैटरडे और संडे को आपकी लिस्ट नहीं आने वाली, यानी कि आज भी आपको वेटेक करना होगा 4 जुलाई को। अब बात करें कि आपकी 5 जुलाई की, तो देखिएगा इससे पहले मैं एक और आपको अपडेट दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने बीआरओ ग्रुप के पास आपकी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी। तो देखिएगा जब आप बीआरओ ग्रुप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फीडबैक का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी अपनी क्यूरी है या फिर कोई भी ऐसी सलाह जो आप बीआरओ ग्रुप को देना चाहते हैं या फिर कोई अपनी दिक्कत या कुछ जो आपकी परेशानी है वो बताना चाहते हैं तो यहाँ पर फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपना नाम लिखना होगा, फिर अपना एड्रेस, फिर अपना फोन नंबर, फिर अपनी ईमेल आईडी, फिर जो आपकी क्यूरी है वो आपको लिखनी होगी। तो यहां पर देखिए मैंने अपनी क्यूरी जो वो डाल दी है, मैंने आपको आज नहीं बल्कि 1 तारीख को ही जो मेरी क्यूरी थी वो डाल दी थी, लेकिन अभी तक मेरे पास जो बीआरओ ग्रिफ है उसकी कोई भी जो रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही मेरे पास इसका कोई रिप्लाई आता है तो मैं आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्म कर दूंगा। आप भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी क्यूरी जरूर डालिएगा। क्यूरी में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2021 वो यहाँ पे फिल करना होगा और उसके साथ आपको जो लिस्ट की अपडेट है वो आपको जरूर से जरूर लिखनी होगी, मेंशन करनी होगी। ठीक है जी, तो देखिएगा ये आप सबमिट करके जो है यहाँ पर वेट करिएगा कि कब तक बीआरओ ग्रिफ का जो रिप्लाई आपके पास आता है। उसके अलावा ये तो बात हो गई आपकी, जो मैंने आपका ऑफिशियल आपका एक कॉन्टेक्ट करना का एक साधन है बीआरओ ग्रुप के पास वो मैंने बता दिया। आपको कॉन्टैक्ट नंबर से आप जो है बीआरओ ग्रुप के पास अपनी क्यूरी रख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आपका एक क्यूरी का सेक्शन दिया हुआ है फीडबैक का, वहाँ से आप लोग अपनी क्यूरी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने वो सभी आपको जो ऑफिशियल मेथड हैं जिनसे आप बीआरओ ग्रुप के पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो मैंने बता दिए। एक पहला कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरा आपका यहाँ पर फीडबैक का क्यूरी का एक सेक्शन है उसमें। उसके बाद बात करें जो मैंने पर्सनली जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है आपकी जो बीआरओ ग्रुप की एडमिट कार्ड की लिस्ट है उसके बारे में, तो देखिएगा जो अपडेट हमें मिली है उसके रिगार्डिंग हम आपको बता देते हैं कि आपकी लिस्ट 101% आएगी, 100 नहीं बल्कि 101% आपकी आएगी। और वो ज़्यादा नहीं, मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी बोल रहा हूँ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपको आपकी जो एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी 7 से 10 जुलाई है, यानी कि 7 से 10 जुलाई आपके लास्ट है। आपको जो अपडेट है वो मिल तो सकती है कल भी, यानी कि 5 तारीख को मिल सकती है, मंडे को आपको, 6 को भी, आपको 7 को भी, लेकिन जो जुलाई का आपका फर्स्ट वीक है 7 से 10 तारीख तक है वो बिल्कुल कतई लास्ट आपका एक टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले पहले आपको एडमिट कार्ड की लिस्ट जो देखने को मिल जाएगी। कुछ आपके इश्यू हो सकते हैं बीआरओ ग्रुप के जिनके कारण 30 तारीख को जो आपको डेट बताई गई थी वो लेट हो गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बीआरओ ग्रुप को जो अपनी लिस्ट वो पब्लिश करनी ही नहीं होती तो वो डेट क्यों देता। कुछ इश्यू हो सकते हैं जिनके कारण 1 से 2 दिन आपकी लिस्ट जो है वो लेट हो गई होगी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे ही कल आपका मंडे होता है मैं फिर से जो बीआरओ ग्रुप है उसको ऑफिशियली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा और अगर वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट हो जाता है तो फिर से मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन रही है वो यही है कि मंडे के बाद आपकी जो लिस्ट की प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक जो है पूरी हो जाएगी और मंडे के बाद जल्दी ही आपको जो बीआरओ ग्रुप की आपकी लिस्ट है एडमिट कार्ड की वो देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो हम अपडेट देते हैं प्लीज़ उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। आपको प्लीज़ एक हफ्ता बोल रहा हूँ कि 7 से 10 तारीख तक आप प्लीज़ वेट कर लीजिए, उससे पहले पहले आपको जो अपनी लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी अपडेट दे रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियली दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि अपने पास से बता रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल है कि आपकी लिस्ट आएगी, कन्फर्म आएगी,
इसके बारे में कोई भी आपको टेंशन की जरूरत तो नहीं है कि आपकी लिस्ट जो कैंसिल हो जाएगी, नहीं कैंसिल नहीं होगी, क्लियर है। तो देखिएगा ये कुछ छोटी सी अपडेट थी आपके एडमिट कार्ड के बारे में जो कि हमने आपको दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एक जैसी कोई छोटी छोटी अपडेट भी आती है वो भी हम आपके पास जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। तो आगे के नए अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।